कोस्ट एलिमेंट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कोस्ट क्या होती है? तो एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, कोस्ट वो अमाउंट है एक्सपेंडिचर की जो एक्चुअल या नोशनल है, जो इनकर की गई है या एट्रीब्यूट की गई है किसी भी गिवन थिंग पर। जो कॉस्ट है वो एक मेजरमेंट होता है मॉनेटरी टर्म्स में अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को देने के लिए। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है मटेरियल की जो यूज़ हो रही है प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट होती है उसमें है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, फ्रेट, इनवॉइस, टैक्सेस, ड्यूटीज, इंश्योरेंस वगैरह। जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल होती है एक्विजिशन कॉस्ट से, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड्स, मोड वैट, सैन वैट, सेल्स टैक्स या अदर जो भी सिमिलर आइटम होते हैं वो डिडक्ट होते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल को निकालते हैं। मटेरियल की जो कॉस्ट होती है दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है उस प्रोडक्ट पे। तो कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो डायरेक्टली रिलेटेड है कॉस्ट सेंटर से या कॉस्ट ऑब्जेक्ट से इकोनॉमिकली फिजिबल वे में, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है उसको हम टर्म कर सकते हैं एज ए कॉस्ट जो आइडेंटिफाई हो सकती है ईजिली, इकोनॉमिकली और ट्रेसेबल है डायरेक्टली, ठीक है, फाइनल या एंड प्रोडक्ट के साथ। डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? जो कॉस्ट है उन प्रोडक्ट्स की जो इंटर होती है उनमें और मेजर पार्ट बन जाती है उन प्रोडक्ट का। जैसे फर्नीचर बनाए तो लकड़ी जो होगी, टिम्बर जो होगी वो उसका मेन पार्ट है, ठीक है। तो जैसे टिम्बर है फर्नीचर में, क्ले है ईंटें बनाने में जो मिट्टी है वो, सीमेंट, स्टोन वगैरह बिल्डिंग के लिए। तो ये क्या होते हैं? ये जो मटेरियल होते हैं मेन पार्ट होते हैं उस प्रोडक्ट का। जो मटेरियल होता है स्पेसिफिकली परचेज कर रहे हैं हम, ठीक है, उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस प्रोसेस के लिए। जो मटेरियल होता है वो पास होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ऑपरेशंस के पास। एग्जांपल के लिए जो कॉस्टिंग है फिनिश प्रोडक्ट का वो ना, मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस का डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। एक प्रोसेस का फिनिश गुड दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होता है जैसे कि मैच बॉक्स है कीप करने के लिए, मैच स्टिक्स को, सिगरेट का कार्टून है, वो क्या होते हैं हमारे प्राइमरी कॉस्ट में या कह सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मटेरियल और प्रोडक्टिव मटेरियल बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट जो डायरेक्टली एलोकेबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। जो एलोकेशन है उसका मतलब होता है रिलेट करना पूरी कॉस्ट को किसी आइटम के साथ रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर में या कॉस्ट यूनिट्स में। इनका मतलब ये है कि जो कॉस्ट हैं जो इनकर की गई है इनडायरेक्टली कॉस्ट सेंटर के लिए, ये डायरेक्टली एलोकेबल नहीं है किसी स्पेशल कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। बट जो कॉस्ट होती है इनकर होती है रिलेट करती है मोर देन वन सेंटर से, एग्जांपल के लिए पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह। इनके जो बेनिफिट होते हैं ये सभी सेंटर, सभी डिपार्टमेंट वगैरह इन्जॉय करके चलते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट है वो हम स्पेसिफिक किसी सेंटर को नहीं दे सकते। ये जितने भी खर्चे होते हैं ये हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है, ठीक है, जो मतलब किसी भी प्रोडक्ट का मेजर पार्ट नहीं बनती है बट इसकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है, कन्वीनियंटली रन होता है। एग्जांपल के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल, कॉटन वेस्ट वगैरह, जैसे कि मशीनें हैं, ठीक है, तो एक मशीन से तो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, सुपरवाइजर है, ठीक है, इस टाइप से। फिर बात आती है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो कहते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो अलग कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट मटेरियल को अलग करेंगे। इन दोनों को से टोटल होकर क्या बनता है? मटेरियल की कॉस्ट बनती है, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब होता है जो पेमेंट हम एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं परमानेंट या टेम्प्रेरी बेसिस पे उनकी सर्विसेज के लिए। जो लेबर कॉस्ट होती है वो इंक्लूड करती है सैलरी, वेजेस जो हम पे कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको। यहाँ पे सैलरी और वेजेस में इंक्लूड है सारे फ्रिंज बेनिफिट लाइक एस प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ESI, ओवर टाइम इंसेंटिव, बोनस, एक्स ग्रेचिया, लीव इन कैशमेंट, वेजेस वगैरह जो हॉलीडे के लिए दी जाती हैं। जो लेबर कॉस्ट होती है उसको हम दो पार्ट में बांट के चलते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड है, आइडेंटिफिएबल है प्रॉपर प्रोडक्ट से, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये वेजेस होती है पे की जाती है वर्कर्स को जो काम में लगी हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस की, ठीक है। ये कवर करती है सेप ऑफ रॉ मटेरियल जो हुज टाइम कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली ट्रेस्ड टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट।
ये रेफर करती है डायरेक्ट वेजेस में या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में, जैसे कि जो कारपेंटर है फर्नीचर बना रहा है, जो वीवर है टेक्सटाइल में कपड़े बुन रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम है ना प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, प्राइम कॉस्ट लेबर या प्रोडक्टिव लेबर बोल सकते हैं। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है आइडेंटिफिएबल होती है कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट यूनिट में, और इसको हम एलोकेट कर सकते हैं किसी भी स्पेशल कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट यूनिट में। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब वो वेजेज इंप्लॉयज़ की जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में, ये वो कॉस्ट होती है लेबर की जो ना डायरेक्टली इंगेज नहीं है प्रोडक्शन ऑपरेशन में, लेकिन इंगेज हैं असिस्ट करने में, हेल्प करने में प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, वॉचमैन, स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कर। जो लेबर कॉस्ट होते हैं इन पर्सनस की वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उनके जॉब से, क्योंकि इनके बेनिफिट सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए, बहुत सारे जो सुपरवाइजर है वेजेज जो इनडायरेक्ट लेबर को पे हो रही है, आइडल टाइम की जो वेजेज हैं, रिम्यूनरेशन, होलीडे पे, वर्कमैन कंपनसेशन, ओवर टाइम वेजेज वगैरह हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस थर्ड एलिमेंट होता है कॉस्ट का, मतलब वो एक्सपेंसेस अदर देन मेटेरियल एंड लेबर जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं अदर देन मेटेरियल एंड लेबर जो आइडेंटिफाई है, जो लिंक करते हैं किसी भी स्पेशल कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब से, प्रोसेस से, ऑपरेशन से। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये स्पेशली किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, प्रोसेस के लिए, और मतलब ये कनेक्टेड नहीं होते किसी स्पेशल अदर जॉब से, ठीक है। इसीलिए हम इसको चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रोसेस एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। जैसे कॉस्ट है रेलवे फ्रेट की, कैरेज वगैरह की जो इनकर हो रही है, मेटेरियल जो परचेज किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, हायरिंग चार्जेस है स्पेशल प्लांट के लिए, मशीन के लिए, टूल्स जो भी कमीशन किए गए हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉस्ट है ऑपरेट करने की मशीन को, ठीक है, जो पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज है, रॉयल्टी जो पे की जा रही है पर्टिकुलर लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉस्ट है स्पेशल पैटर्न की, डिजाइन की, प्लांट की, ठीक है। रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड हैं, जो फीस पे की जा रही है सर्वेयर्स को, आर्किटेक्ट वगैरह को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मेटेरियल ऑफ लेबर एंड उनके मेटेरियल लेबर के अलावा होते हैं, जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मतलब अदर देन इनडायरेक्ट मेटेरियल होते हैं और इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होते पर्टिकुलर जो प्रोसेस पे। ये जो एक्सपेंसेस है इसमें आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिफरेंस क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, ये इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं डायरेक्टली प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते प्रोडक्शन से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्ट होते हैं प्राइम कॉस्ट का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अगर कहते हैं कि जो सेल्स प्राइस रियलाइज होता है लेस देन द टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्शन को हम रोक देंगे, ड्रॉप कर देंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कितना ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते प्रोडक्शन में। फिर कहता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें है डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड रेफर करते हैं वो कॉस्ट इनडायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट लेबर की या एक्सपेंसेस की जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से, कॉस्ट यूनिट से। ओवरहेड में आते हैं इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड कंप्राइज करते हैं इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे। डिफरेंस क्या है ओवरहेड में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? तो डेफिनेशन से क्लियर है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक पार्ट होते हैं ओवरहेड का, ठीक है। तो ओवरहेड में इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये सब आ जाते हैं। बिसाइड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक पार्ट है ओवरहेड का। अगर कहता है कि टोटल कॉस्ट में से हम डायरेक्ट मेटेरियल को हटा देते हैं, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को हटा देते हैं, तो बैलेंस क्या बचता है? ओवरहेड बचता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर इसमें से इनडायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट लेबर को हटा देते हैं तो क्या बचता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के लिए ओवरहेड में से दोनों को घटा देंगे। अब डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड ऑन कॉस्ट, जनरली जो ओवरहेड ऑन कॉस्ट है उनको हम सेम मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिफरेंस होता है। ओवरहेड इंक्लूड करते हैं सारे एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग के। कहता है कि जबकि ऑन कॉस्ट होते हैं ये एक्सप्रेस करता है परसेंटेज की फॉर्म में ऑन द बेसिस जो भी डाटा है ना ओवरहेड किया गया है। तो कहते हैं ऑन कॉस्ट को डिफाइन करते हैं चार्ज जो किया गया है प्रोडक्शन पे रिकवरी करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। तो कहता है कि ओवरहेड में कौन तीन पार्ट में बांटते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं जो ना इनहेरेंट होते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, प्रोडक्शन के कोर्स में, जैसे कि रेंट है फैक्ट्री का, पावर, लाइटिंग, इनके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा काम, ठीक है, इनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल देते हैं, ठीक है। या वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओन कॉस्ट या वर्क ओन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जितने भी इनडायरेक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहलाते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग, जनरल पॉलिसीज की, ऑपरेशंस की, बिजनेस कंसर्न में सैलरीज, ऑफिस स्टाफ की, अकाउंटेंट की, डायरेक्टर वगैरह की, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस बिल्डिंग का, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कलेक्ट करते हैं डिफरेंट कॉस्ट में, जैसे कि जनरल ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितने भी इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। जो सेलिंग ओवरहेड होता है वो कॉस्ट होती है जो इनकर होती है क्रिएट करने में, स्टिमुलेट करने में, डिमांड को, ऑर्डर को सिक्योर करने में प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो इनकर हो रही है प्रोसेस में बनाने के लिए पैक्ड प्रोडक्ट जो अवेलेबल होता है डिस्पैच के लिए, ठीक है। कहता कि ये इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर जो इनकर हो रहा है एक आर्टिकल को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, सेंट्रल से लोकल, इस टाइप से सैलरी जो सेल्स मैनेजर को दे रहे हैं, सेल्समैन को कमीशन जो दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सब आ जाता है। अब एनालिसिस है टोटल कॉस्ट का, तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, मटेरियल में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में भी फैक्ट्री के, ऑफिस के और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे बांट रखा है, प्राइम कॉस्ट में आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री के एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें बता रखा है। अब प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एग्रीगेट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, जो चार्जेबल है, ठीक है, इनको हम फर्स्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं, फ्लैट कॉस्ट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट है ना टोटल प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का सम होती है। इसमें सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, मतलब जिन्हें हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्लस टू सब डिवीजन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल होता है ना फैक्ट्री कॉस्ट का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, वो ऑफिस कॉस्ट होती है और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, ये इसे मोर पॉपुलरली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल है ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का टोटल क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो टोटल कॉस्ट होती है, सो जितना जो मैन्युफैक्चरर है कंसर्न करता है, बट अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को बेच देता है तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है हम उनको ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट टुगेदर विद प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। फिर कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है ना कॉस्ट का वो एक प्रोसेस है ग्रुप करने का कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट को एक कॉमन डेजिग्नेशन में उनकी सिमिलरिटीज, नेचर, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का हर आइटम को एक सिस्टमेटिक प्लेसमेंट के अंतर्गत। जो आइटम ग्रुप किए जाते हैं टुगेदर अंडर कॉमन हेड वो उनको क्लासीफाई किया जाता है फंडामेंटल डिफरेंसेज के अकॉर्डिंग। जो सेम कॉस्ट होती है वो अपीयर होती है सेवरल डिफरेंट क्लासिफिकेशन में, डिपेंड करती है पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन पे। जो कॉस्ट क्लासिफाई होती है नॉर्मली इंटरम मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव, वो एक प्रेजेंटेशन होती है नॉर्मली जिसको सब क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। जो सब क्लासिफिकेशन होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है कॉस्ट एलिमेंट के, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। जो अप्रोप्रिएट सब क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है अपॉन द यूजेस जो भी हम कर रहे हैं कॉस्ट रिपोर्ट का। क्या है बेसिक रूल क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के लिए, जो क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की वो एक अरेंजमेंट है आइटम्स ऑफ कॉस्ट का एक लॉजिकल ग्रुपिंग में उनके नेचर के अकॉर्डिंग, पर्पज के अकॉर्डिंग। जो आइटम है उनको क्लासिफाई करना चाहिए उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक पर्पज के अकॉर्डिंग, बिना एम्बिग्यूटी, मतलब बिना कन्फ्यूजन के। जो स्कीम है ना क्लासिफिकेशन की वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर आइटम है ना क्लासिफाई किया जा सके। बेसिक क्या है क्लासिफिकेशन के, नेचर के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट सेंटर से, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो नेचर के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है ना वो गैदर होने चाहिए टुगेदर उनके नेचुरल ग्रुपिंग में, तो इसमें मटेरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये डिफर करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। तो बेसिक एलिमेंट है नेचर के अकॉर्डिंग मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर है कॉस्ट सेंटर, तो क्लासिफिकेशन है ना वो किया जाता है बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट, ठीक है,
मतलब कोस्ट को बांटना अलग अलग कोस्ट सेंटर पर, जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको एलोकेट करते हैं कोस्ट सेंटर को या कोस्ट ऑब्जेक्ट को इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, इसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं। अदरवाइज जो कोस्ट कंपोनेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट में इन मेटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट में मेटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस। डायरेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट से, एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंसिस वगैरह। और इनका सम होता है प्राइम कोस्ट। इनडायरेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कहता है कि इनको क्लासिफाई किया जाता है 5 मेजर कैटेगरी में, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डिपार्टमेंट। तो कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ये कॉस्ट होती है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की जो स्टार्ट होती है जब हम मेटेरियल को सप्लाई करते हैं, लेबर को सप्लाई करते हैं, सर्विसेज को, और एंड होती है जब प्राइमरी पैकिंग हो जाती है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्शन कॉस्ट उन सभी आइटम की कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है प्रोडक्ट या सर्विसेज की। इसमें सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ये जो कॉस्ट है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जितने मेन आइटम होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के जो रिलेटेड प्रोडक्शन से, वो भी इंक्लूड होंगे, जैसे सैलरी, स्टाफ की, टेक्निकल सुपरविजन की, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट, एक्सपेंसेस स्टोर मैनेजमेंट के, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, डिस्पेंसरी हैं, कैंटीन एक्सपेंसेस वगैरह हैं। फिर बात आती है एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट। तो कहता है कि जो कॉस्ट है ना पॉलिसी को बनाने से रिलेटेड, डायरेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऑपरेशंस को, तो ये सब आती है। ये मतलब विच जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनसे। तो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कॉस्ट है ना वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर हो रहे हैं जर्नल मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। दीज आर इन नेचर में इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं और ये टर्म करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट स्टाफ, जो जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक रेंट, लाइटिंग, रेट, टैक्सेस वगैरह, बैंक चार्जेस, ऑडिट फीस वगैरह, लीगल चार्जेस वगैरह। सेलिंग कॉस्ट जो कॉस्ट होती है जो हम चाहते हैं क्रिएट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए डिमांड को, मार्केटिंग को, ऑर्डर वगैरह को सिक्योर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग ओवरहेड। जो सेलिंग कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो सेलिंग से रिलेटेड होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, इंक्लूड करती है जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें सैलरीज है, कमीशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये सब। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो कॉस्ट होती है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की जो स्टार्ट होता है प्रोडक्ट की पैकिंग से और डिस्पैच करना, एंड विद मेकिंग द रिकंडीशन, रिटर्न वगैरह, एम्प्टी पैकेज वगैरह को रिटर्न करना, रीयूज करना। जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं ओवर हेड होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं वेयर हाउस के एक्सपेंसेस, फ्रेट एक्सपेंसेस, शिपिंग चार्जेस, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो इनकर की जाती है हैंडल करने में एक प्रोडक्ट को, फ्रॉम द टाइम जब ये कंप्लीट होता है और ये जब अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अंडरटेक की जाती है रिसर्च के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी को, किसी भी प्रेजेंट प्रोडक्ट की इंप्रूव करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस डेवलप करने के लिए नए प्रोडक्ट को, मार्केट में रिसर्च वगैरह के लिए। तो रिसर्च कॉस्ट किस पे जोर देती है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का। इन पे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, तो कहते हैं कि फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल तीनों प्रकार की हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं होती, चाहे वॉल्यूम कितना भी बढ़े घटे, ये अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं, इसको हम पीरियड कॉस्ट भी बोल देते हैं। फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं होती है, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट वो वेरी होती है, वो चेंज होती है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी, और जैसे ही प्रोडक्शन घटेगा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट वो हो जाती है जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही घटती है। वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो होती है जो इंक्रीज होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ और घटती हैं उसी के साथ, ठीक है, इनको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कहता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन करती है दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को, ये इफेक्ट होती है पार्टली फ्लक्चुएशंस के द्वारा। ये जो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती, टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन आउटपुट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह। मेन फीचर क्या है इनके, ये जो कॉस्ट है इंक्रीज होती है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेकिन ये सेम प्रोपोर्शन से चेंज नहीं होते जैसे कि अदर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये जो कॉस्ट है जीरो नहीं हो सकती चाहे प्रोडक्शन नहीं लो। इन सम केसेस ये जो कॉस्ट होती हैं ये फिक्स भी रह जाती है एक सर्टेन लेवल तक, इसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। कॉन्स्टेंट रही फिर बढ़ गई, कॉन्स्टेंट रही बढ़े ऐसे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, अब है रिलीवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो एग्रीगेट है वेरिएबल कॉस्ट का, ये प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। जो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट होती है ये चेंज होता है अमाउंट में एक गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर,
तो कहता है कि ये एग्रीगेट होता है जो कॉस्ट चेंज होती है ना, अगर जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंग। जो मैंने मार्जिनल कॉस्ट होती है वो रेफर करती है वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ, ठीक है, इसमें कोई फिक्स को नहीं होता। मतलब देखो, पहले 50 यूनिट बनाते हैं तो 100 रुपये आते हैं, अभी क्या उन्होंने यूनिट बनाते हैं 110 आते, तो 10 रुपये है ना वो मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो चेंजमेंट आया है। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में जो एक्टिविटी में बदलाव आता है उससे जो चेंज आता है ना कॉस्ट में, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट मिलती है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल जो हाईलाइट करता है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को इन कॉस्ट बाय अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। ये जो टेक्निक होती है ये यूज़ करते हैं हम एक्सपोर्ट प्राइसिंग में, न्यू प्रोडक्ट में, प्राइसिंग ऑफ गुड्स में, जो चाहिए प्रमोट करने के लिए नए मार्केट में, कंट्री के अंदर या बाहर। जो अल्जेब्रिक डिफरेंस है ना रिलेवेंट कॉस्ट में टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो क्या है, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जो बढ़ रहा है जो डिफरेंशियल कॉस्ट है उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जहाँ पे घट रहा है उसे बोलते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट, या जो भी सेक्रीफाइस वगैरह हम करते हैं, जो बेनिफिट को हम इग्नोर करते हैं, वो क्या होती है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रिप्लेस करने के लिए होती है एक मेटेरियल या असेट्स को परचेज करके करंट मार्केट में, ठीक है। रिलीवेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज या सिचुएशन से रिलेटेड होती है उनके लिए होती है। इन द कंटेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ये रिलेटेड होती है किसी स्पेशल इशू से। ओनली दोज कॉस्ट जो रिलीवेंट है कंसिडर की जाने, एक पर्टिकुलर कॉस्ट है वो रिलीवेंट हो भी सकती है और इरिलीवेंट भी हो सकती है, तो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट हाइपोथेटिकल या नॉमिनल कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में कोई केस आउटले इन्वॉल्व नहीं करती, ये कंप्यूट करते हैं हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, इसीलिए इनको हम हाइपोथेटिकल कॉस्ट बोलते हैं। ये चाहिए हम कंसिडर करते हैं सिर्फ कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए, अगर जो ओनर है फैक्ट्री का वो चार्ज करता है रेंट फैक्ट्री का टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो कहते हैं कॉस्ट को कंपेयर बनाने के लिए विद दैट ऑफ दोज अंडरटेकिंग जो रन कर रहे हैं प्रोडक्शन को रेंटेड फैक्ट्री में, तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट रहेगी, ठीक है। फिर बात आती है संक कॉस्ट, संक कॉस्ट को रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट भी बोल देती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है जो पहले इनकर हो चुकी है लेकिन अब रिकवर नहीं हो सकती, ये कॉस्ट होती है जो इनकर हुई थी पास्ट में लेकिन रिलीवेंट नहीं है पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, संक मतलब डूबी हुई, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू रिप्ले, अगर एग्जिस्टिंग प्लांट को रिप्लेस करना है ना, तो जो रिटर्न बुक डाउन वैल्यू है प्लांट की वो कम होगी सेल्स वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स, क्योंकि जो संक और इरिक्वायर्ड कॉस्ट है उसे घटा देंगे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है नेचर में। नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नॉर्मली इनकर होती है गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के इन द कंडीशन जिसमें जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो अचीव हुआ है। नॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड करती है वो सारे आइटम जो इनकर होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में प्रोडक्शन प्रोसेस के, ठीक है। अब नॉर्मल कॉस्ट होती है जो अनयूजुअल होती है, जो हमारे हाथ में नहीं हो, मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड या अब नॉर्मल सिचुएशन के कारण होती है, ठीक है। जैसे आइडल टाइम रहे, मशीनें ख़राब हो जाए, अब नॉर्मल प्रोसेस के दौरान। अवॉइडेबल कॉस्ट वो होती है जो जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे, ठीक है, प्रॉपरली काम करके। ये लॉजिकली एसोसिएट होते हैं कुछ एक्टिविटी से, सिचुएशन से जो एसरटेन कर सकते हैं, ठीक है। अनअवॉइडेबल मतलब जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो इनकर होनी ही थी, ठीक है, ये फिक्स होते हैं नेचर में, इनएस्केपेबल होते हैं। फिर है नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड। बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एग्रीगेट होता है जो रिलेटेड है कॉस्ट जिसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल आते हैं जो मेंटेन करते हैं उनकी आइडेंटिटी को थ्रू आउट वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे। प्रोसेस कॉस्ट मतलब जब एक जो प्रोडक्ट होता है, गुड्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा मतलब प्रोसेस से पास होता है, सीक्वेंस से पास होता है, ठीक है, तो जो कॉस्ट होती है। ऑपरेशन कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट है जो स्पेसिफिक ऑपरेशन से रिलेटेड है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, बिजनेस एक्टिविटी में, जैसे कि ये डिस्टिंक्टली सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट इनकर हुई है कंडक्ट करने में बिजनेस एक्टिविटी को, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेफर करती है कॉस्ट अंडरटेकिंग की, ठीक है, जो विच डू नॉट जो मैन्युफैक्चर नहीं करती किसी प्रोडक्ट की बट प्रोवाइड करती है सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहता है कि ये कॉस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट की विद सम टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एडजस्टमेंट एग्रीड जो हुए थे जिसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है ये यूजली इम्प्लाइड होती है मेजर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, और ये अलग होते हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट। एस्केलेशन क्लोज है कई बार प्रोवाइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में ताकि हम चेंजेस वगैरह एंटिसिपेट कर पाए मेटेरियल प्राइस में, लेबर कॉस्ट वगैरह में। ज्वाइंट कॉस्ट नहीं, कॉमन कॉस्ट की फैसिलिटी देती हैं सर्विसेज की जो इम्प्लॉय की जाती हैं आउटपुट में, तो या दो से अधिक मटेरियल्स ली जो भी हमने प्रोड्यूस किए हैं या जो भी क्लोज रिलेटेड है ऑपरेशन और कमोडिटीज से। जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें है ना हम फ्रॉम ए सेट ऑफ सेम इनपुट दो या दो से अधिक डिफरेंट जो प्रोडक्ट है ना उनको प्रोड्यूस करते हैं एक साथ, जो प्रोडक्ट होंगे ग्रेटर इंपॉर्टेंस को उनको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं और जो माइनर इंपॉर्टेंस होते हैं ना हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो जो कॉस्ट इनकर होती है प्रियर टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। सेपरेशन से पहले जो भी कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है, इसको हम अलग से चैप्टर में भी पढ़ते हैं जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम में। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जो एक कॉस्ट आइटम होता है जो रिलेटेड होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से, तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं हिस्टोरिकल, प्रीडिटरमाइंड, स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट जो एक्वायर करने के एसेट्स या प्रोड्यूस करने के गुड्स एंड सर्विसेज को, वो पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब ये पोस्ट मॉर्टम है। कॉस्ट एसर्टेन आफ्टर मतलब इनकर होने के बाद हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये रिप्रेजेंट की जाती है एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के द्वारा। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम नहीं फॉलो करता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बेस होती हैं कॉस्ट पे जो एक्चुअल में इनकर हुई है टाइम टू टाइम। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है ना प्रोडक्ट की, कंप्यूट होती है एडवांस में प्रोडक्शन पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर जो भी अफेक्ट करते हैं कॉस्ट को, उनको ध्यान में रखे, कॉस्ट डाटा को ध्यान में रखे। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या तो स्टैंडर्ड हो सकती है एस्टिमेटेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो कैलकुलेट होती है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से ऑफ इफिशियंट ऑपरेशन करके, रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर वगैरह करके, ये यूज हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी प्राइस फिक्स किए गए हैं या फॉर कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी हो सकती है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है एस्टिमेट करने के लिए, जिसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ ताकि डिटरमाइन कर पाएँ वेरियंस वगैरह को। एस्टिमेटेड कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट है ना प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं हम एडवांस में प्रियर टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन होने से पहले या सेल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ना ये फाउंड होती है स्पेसिफिक रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्शन है या जो भी एक्टिविटी लेवल ऑफ प्लांट है ये सब। एस्टिमेटेड कॉस्ट देखो स्टैंडर्ड तो मतलब पहले से फिक्स करते चलते हैं ताकि हम फिर उसके साथ एस्टिमेट कर पाए, और एस्टिमेटेड कॉस्ट होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं एडवांस में परफॉर्मेंस ऑपरेशन से पहले। कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जो इन्फ्लुएंस होती है हमारे एक्शन से, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो फिक्स करके चलते हैं। तो जो कॉस्ट होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेंटर की, वो गाइड की जाती है पर्सन इन चार्ज के द्वारा डिपार्टमेंट के। ये जो कॉस्ट होती है ये कंट्रोल की जाती है स्पेसिफाइड मेंबर के द्वारा, जो जनरली एक इंपॉर्टेंट लिंक रख सकता है मैनेजमेंट इन द कंट्रोलेबल कॉस्ट में, ठीक है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ये कॉस्ट होती है जो ना इन्फ्लुएंस नहीं होती एक्शन के द्वारा एक स्पेसिफाइड मेंबर की। जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है जनरली फिक्स कॉस्ट होती है, ये कंट्रोल की जाती है, ये लाई नहीं होता, ठीक है। और शटडाउन कॉस्ट मतलब जब बिजनेस बंद होता है उसके बाद जो भी खर्चे वगैरह किए जाते हैं प्लांट से रिलेटेड, शटडाउन से रिलेटेड, रेंट, रेट, डेप्रिसिएशन वगैरह। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो पे की जाती है आउटसाइडर को एज अगेंस्ट कॉस्ट, जैसे डेप्रिसिएशन है जिसके लिए हमें कोई कैश पेमेंट नहीं चाहिए। ये जो कॉस्ट होती है रिलेवेंट होती है फिक्स करने में प्राइसेस ड्यूरिंग ट्रेड रिसेशंस मेकन बाय डिसीजन। डिस्क्रिमिनेशनरी कॉस्ट ये जो कॉस्ट होती है राइज होती है पीरियडिक डिसीजन के दौरान मैक्सिमम आउटले जो भी इनकर हो रहा है उसके लिए। मोर एवर ये कहता है कि दे आर नॉट टाइड टू, ये क्लियर कास्ट से रिलेटेड नहीं होती और ना ही इफेक्ट रिलेशनशिप रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल है इन कॉस्ट की एडवर्टाइजिंग, एक्सेसिव ट्रेनिंग, पब्लिक रिलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंटिंग सर्विस वगैरह। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट ये वो पार्ट होता है डेवलपमेंट कॉस्ट का जो इनकर होती है ट्रायल प्रोडक्शन के दौरान, प्रीलिमिनरी टू फॉर्मल प्रोडक्शन, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये जो कॉस्ट होती है नॉर्मली हम ट्रीट करते हैं इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनको राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, बाय चार्ज टू द फ्यूचर प्रोडक्शन 3 to 4-5 years में। कन्वर्जन कॉस्ट ये जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, ये एक्सक्लूड करती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, क्योंकि ये सब होता है डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ओवरहेड कॉस्ट का कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। कन्वर्जन कॉस्ट हाउएवर इंक्लूड करती है कॉस्ट जो एक्सेस होती है मटेरियल से या लॉस जो भी मटेरियल पे इनकर होते हैं पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के। पॉलिसी कॉस्ट जो कॉस्ट इनकर होती है इन एडिशन टू नॉर्मल रिक्वायरमेंट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। आइडल फैसिलिटीज को जो कॉस्ट है अब नॉर्मल आइडलनेस और फिक्स कॉस्ट की वो होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड को जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की जो एसोसिएटेड होती है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के साथ। ये जो कॉस्ट होती है ये इंक्लूड हो भी सकती है और नहीं भी एलिमेंट ऑफ ओवरहेड में, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड पे जो अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है रिलेटेड होते हैं गुड्स से जो प्रोड्यूस होते हैं परचेज होते हैं रीसेल के लिए, ठीक है, ये इन्वेंटरी के एक पार्ट के रूप में आइडेंटिफिएबल होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री और ये सब मेन फीचर क्या है प्रोडक्ट कॉस्ट के। ये जो कॉस्ट होती हैं ये जरूरी होती हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिसके लिए आप इनकर कर रहे हो। अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई कॉस्ट नहीं होगी। ये जो कॉस्ट होती है अब्सोर्ब की जाती है बाई और अटैच टू द यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। ये जो कॉस्ट होते हैं इनको इन्वेंटरीबल कॉस्ट बोलते हैं क्योंकि ये इंक्लूड की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में एज फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और कॉस्ट ऑफ सेल। पीरियड कॉस्ट ऑन द अदर हैंड जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो अनअफेक्टेड होती है चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी जो भी हो रहा है स्पेसिफिक पीरियड टाइम है। जनरली ये रिलेट करते हैं टाइम से
रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और ये डिडक्ट होती है एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द करंट पीरियड फ्रॉम द रेवेन्यू। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, ये पीरियड कॉस्ट होती है, डिडक्ट होती है रेवेन्यू से बिना इन्वेंटरी कॉस्ट को देखे हुए। मेन फीचर क्या है पीरियड कॉस्ट की, ये जो कॉस्ट होती हैं कहते हैं कि दीज आर सच कॉस्ट विच आर नॉट रिलेटेड, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती एंड विल इनकर इवन इफ, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी इनकर होंगी। ये जो कॉस्ट होती है ये नॉन इन्वेंटरीज्ड होती हैं क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होती वैल्यू ऑफ स्टॉक में। ये जो कॉस्ट होती है इनकर होती है टाइम पीरियड के दौरान एंड राइट ऑफ होती है जी एक्सपेंस इन पी एन एल अकाउंट। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट जो क्लासिफिकेशन है ना प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट में जरूरी होता है प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट डिटरमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पीरियड कॉस्ट होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या अनसोल्ड फिनिश स्टॉक के रूप में। ठीक है, तो ये बता रखा है इसने। पर्पज़ क्या है प्रोडक्ट कॉस्ट का, प्रोडक्ट प्राइसिंग करना, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और कॉस्ट प्लस मेथड कॉन्टैक्ट के। वेरिएबल को जो बदलती है प्रोडक्शन के, और डायरेक्ट को जो डायरेक्टली आइडेंटिफिकेबल है। एस्टिमेटेड को जिसको हम एडवांस में एस्टिमेट कर सकते हैं प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट वो होती है जो प्लांट कॉस्ट होती है जो हम चाहते हैं कि इतनी हो या इससे कम हो। ठीक है, ताकि डिविजन्स वगैरह का फाइंड आउट कर पाएँ हम। अब यहाँ पे एक लिस्टेशन दे रखी है, आप इसको चेक कर सकते थे, हमारा टॉपिक था। थैंक यू।